राज्य अभिषेक होने वाला है। वर आज मैं अपने मांगती हूँ उस कौशल
चंदन के बदले निज सुत को संपूर्ण अयोध्या का राज्य मानती हूँ। क्या हुआ महाराज? अभी तो मैंने अपना एक ही वर मांगा है और आपकी ये दशा, दूसरा वर जो है मेरा तो सुनो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो हो रहा राम, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी हो। पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है कि कोरोना काल के बाद में आज पूरा भरपूर रामलीला का अभी तो कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। कुशा का आसन? अच्छा, माँ से हंसी करता है? नहीं माँ, जिस प्रकार सूर्य सत्य है, यह आकाश सत्य है, यह जल सत्य है, उसी प्रकार तुम्हारे इस पुत्र का वन जाना भी सत्य है। क्या कहा? वन जाना सत्य है, परंतु पुत्र ये सत्य कैसे हुआ? माँ, एक समय की बात है, पिताश्री पर मंजली माता के कई के दो वरदान धरोहर थे और आज समय रहते माता जी ने वह दोनों वरदान मांग लिए। कैसे दो वरदान? पर पहले वरदान में मेरे अनुज भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। भरत के लिए अयोध्या का राज्य? और जानती हो दूसरे वरदान में क्या मांगा? क्या मांगा पुत्र? माँ, मेरे लिए सिर्फ 14 वर्षों का वनवास। वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक? अधिकार आपको है गद्दी का, होगा आपको ही राजतिलक। अन्याय अगर यहाँ होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। हमको वन जाने की खूब कही, हम क्यों जाएं जब हमारा कोई दोष नहीं। लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, कहने वो तो हम दो है, वास्तव में वंश एक ही है। एक रथ है, एक तत्व रघुकुल का अंश ही है। भैया यदि यही भाव तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूं, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषण चतुरता नहीं मुझमें, दो टूक वचन है लक्ष्मण के, या तो वन गमन है लक्ष्मण का, या फिर प्राण मरण है लक्ष्मण के। लक्ष्मण मेरे भाई, ऐसी बातें मत कहो। लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर प्रेम वश अधीन मत हो और मेरी सीख सुनो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है और पिताश्री के मन में अंगवत का दुख है। ऐसे समय में यदि तुम भी वनों को लेकर गया तो अयोध्या सब परिवार से सुनी पड़ जाएगी मेरे भाई। इसलिए ऐसी रीति विचार कर
तुम यहीं रुक जाओ। भैया मैं तो आपके चरणों का दास हूँ और आप मेरे स्वामी। यदि आप मुझे अकेला छोड़कर वनों में चले जाएंगे तो मेरा वंश क्या रह जाएगा। भैया भैया मैं स्वभाव से कहता मैं माता पिता किसी को नहीं जानता। मेरे तो जो कुछ है वो सिर्फ आप ही हैं भैया। रानी रानी तू सूर्य वंश के लिए कुल्हाड़ी ना बन। मुझे मत मार, मेरी छाती चलती ही रहेगी। अरे छाती चलती है तो गंगा
छोटा वनों में रहे। ठीक आप करो।